और जो राइड क्वालिटी हैंडलिंग है और स्पेशली जो ब्रेकिंग इसकी जो स्किल्स है बहुत अच्छी है, आगे पीछे दोनों जो डिस्क लगी हुई है बहुत मज़ा आया चलाने में। भाई की हलचल सतीश जयगर के आगे है रोड कुछ जाना पहचाना लग रहा हम लोग सारा देखे ला हम लोग सारा वीडियो में यही रोड आता है लेकिन आज का कोई राइड नहीं है हम लोग का, आज का स्पॉन्सर वीडियो है। अच्छा ही राइड, कुछ सरप्राइज है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शॉर्टकट मारा है फाइनली गाइस, जो आज हम लोग का सरप्राइज वीडियो प्लान होने वाला था जो हो चुका है। हम लोग आ गए हैं आयान मोटर्स के शोरूम में। मैं हूँ सतीश भैया है और आयान मोटर्स के ऑनर है। थोड़ी देर में इनसे भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। बेसिकली हम लोग का जो प्रोडक्ट आज जो हम लोग रिव्यू करने वाले थे वो प्रोडक्ट है ईव कंपनी का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग लोकल फॉर वोकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि सारा कंपनी लोकल है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक साइकिल है, थोड़ी देर में उसको भी देख लेंगे और उसका भी रिव्यू कर लेंगे। तो जहाँ पे आए हैं पहले उनके ऑनर से हम लोग बात कर लेते हैं कि उनके ऑनर का क्या रिस्पांस है। सतीश भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बाद भी ऑनर बताएंगे थोड़ी देर में कि उन लोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीलरशिप ही क्यों लिया, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर हो सकता है इंडिया का, यही क्वेश्चन है। तो लेट्स टॉक टू द ऑनर, वो बताएंगे अपने बारे में वो क्या करते हैं क्या नहीं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है हम लोग का। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आयन मोटर्स के ऑनर। हाय सर, आपका नाम बताइए। वेलकम टू आयन मोटर्स। मेरा नाम है कमरुज़्ज़मान। अभी हम लोग ये नया आयन मोटर्स जो है इलेक्ट्रिक बाइक का और इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक साइकिल का एक नया मतलब शोरूम हम लोग खोले हैं। मोदी जी के नारा से आत्मनिर्भर भारत का से प्रेरित होकर हम लोग ये खोले हैं। पहले हम टाटा मोटर्स में जॉब करते थे तो हमको ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग सोचे थे कि इसी फील्ड में ऑटोमोबाइल फील्ड में ही हम लोग कुछ नया कुछ करेंगे। हम लोग तीन मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, हम लोग तीन पार्टनरशिप फर्म है, तीनों मिल के हम लोग सोचे कि कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे हम लोग और कुछ फ्यूचर के लिए करें। तो हम लोग सोचे कि इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक साइकिल के फील्ड में हम लोग जाने की सोचे। पहले हम लोग एक कंपनी के साथ जुड़े थे जो कि हम लोग मतलब चाइना का मटेरियल हम लोग को देता था, हम लोग बेचते थे। फिर जो वोकल फॉर लोकल जो नारा लगा उससे हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग लोकल के लिए मतलब लोकल आइटम्स ही ये करेंगे मतलब प्रमोट करेंगे। तो हम लोग ईवी के साथ जुड़े। हम लोग का मेन डीलर यहाँ पे अवन का मोटर्स है आदित्यपुर में। हम लोग सब डीलरशिप लिए हैं स्कूटीज का ईवी। अभी ये हमारा जो लोकल ये प्रोडक्ट है हमारा इंडियन प्रोडक्ट है। हम लोग मेन ईवी के साथ जुड़े हैं जो स्कूटी अभी हम लोग बना रहे हैं। तो इसका छः मॉडल्स है, छः मॉडल जीनिया फॉर यू योर विंड अहबा पावर एक्सेट्रा। तो ये चार ये है मतलब हम लोग का भी टोटल अभी मॉडल है। हाँ साइकिल्स हम लोग जुड़े हैं अभी। एक्चुअली साइकिल्स हम लोग पिनाकी के साथ जुड़े हैं, नोएडा का एक कंपनी है पिनाकी, उसके साथ हम लोग जुड़े। लेकिन हम लोग का मेन एम जो है वो हम लोग का जो है वो अपना खुद का साइकिल मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, ये जो आपका शोरूम है ये कहाँ पे है जरा? ये हम लोग का बीएड कॉलेज के रोड में है, यहाँ पे लॉयला बीएड कॉलेज है, टेलको में है हम लोग का ये कॉलेज। ये चीज अच्छा लगा आपका कि जो भी है लोकल है, मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ा चीज बहुत अच्छा चीज है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग, हम लोग गाड़ी का कुछ टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है और कितना तो चलाने में मजा आ रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब बोलता है यार चार्ज का प्रॉब्लम हुआ, बैटरी का प्रॉब्लम, बैटरी हुआ। बैकअप नहीं देती या फिर उसमें दम नहीं है। चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ। यहाँ की स्कूटी भी वैसे ही है और बाइसाइकिल भी अच्छे, तो चलो आपको दिखाते हैं। ओके सर, शुरू करें। इसको 2-3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ता है तब जाके आता है रनिंग मोड में। OMG पिकअप जबरदस्त। गियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट गियर में ड्राइव कर रहा हूँ यार। इसका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत मज़ा है। देखो सेकंड गियर में देखो स्पीड, देखो गाड़ी 30 पहुँच गया यार। पिकअप है क्या सडनली? OMG यार थर्ड गियर में देखो 40, 41, 42। OMG और इसका ब्रेकिंग सिस्टम जस्ट वाओ। ये है कि इसका गियर चेंज करने में दिक्कत नहीं है। यार एक ही वर्ड बोलेंगे, गाड़ी चला के मज़ा आ गया। मतलब हम हर कंपनी का स्कूटी चला चुके हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मज़ा है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए ये सेकंड में है, सेकंड मोड है, ये हो गया थर्ड, फिर ये हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलो ये पूरा खाली रोड है, अब इसका रिव्यू देख लेते हैं। 43, 44 तो हम ऑफ रोड में इसलिए चला रहे हैं ना क्योंकि भैया अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स यहाँ हम लोग का रोड में गड्ढे बहुत आते हैं, तो गड्ढे इसलिए ऑफ रोडिंग में आप लोगों को दिखा दे रहे हो। यार कंपनी ने बनाया तो बहुत बवाल चीज़ है और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका बैटरी 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और तो ये फर्स्ट में चल रहा है फर्स्ट मोड, सेकंड मोड में पिकअप बढ़ा एंड लास्टली थर्ड मोड इसमें और पिकअप बढ़ा। फिर आ जाए फर्स्ट मोड में, मतलब एक बार बैटरी चार्ज करो, सिटी में घूमो अराउंड 70 किलोमीटर आराम से, उसके बाद आ जाए। लेकिन यही है कि फर्स्ट में जैसे पहला मोड में हम चला रहे हैं तो वो गाड़ी 26, 25, 26, 77 के ऊपर नहीं जा रही। थर्ड में 34, 35 के ऊपर नहीं जा रही। फिर सेकंड में 35 के ऊपर नहीं जा रही। फिर जब हम थर्ड ले रहे हैं तो 44, 45 आराम से जा रही है। यार ये एक लिमिट अच्छा है, तीन मोड दिया हुआ है, तीनों मोड का अपना अपना स्पीड है। एक वर्ड मज़ा आ गया चला के। अब देखिए सो वील सी द बैटरी नाउ। इसका बैटरी यहाँ पे कैसा है देखिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इंसुलेशन पैनल दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। एंड दिस इज़ द मेन स्विच। अगर मतलब गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, लग रहा है कि ज़्यादा हीट अप हो गई है या कुछ भी, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हो
ऑन भी कर सकते हो, एंड दिस इज़ द मेन सर्किट। एंड ये जो बैटरी है, बैटरी को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और घर पे ले जाके इसको चार्ज भी कर सकते हो, हाँ यहाँ से रिमूव करके। एंड अगर यहाँ से भी चार्ज करना है तो ये रहा इसका चार्जर, है ना, विच कम्स विद ऑल द सॉकेट एंड ऑल। एंड यहाँ पे कुछ इंसुलेशन पैनल, रबर प्लेट्स और टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। सो चलते हैं फिर, अब टाइम आ गया ये गाड़ी वापस करने के लिए। ये गाड़ी तो हमारी नहीं है, हाँ आयन मोटर्स, उन्होंने ही दिया था गाड़ी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक बाइक के बाद अब आ गया है इलेक्ट्रिक साइकिल। बेसिकली ये बाइसाइकिल भी इलेक्ट्रिक है, अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल मोड में चला रहे हैं क्योंकि यहाँ से डाउन है, जब वहाँ पे अप होता है तो फिर हम आपको बताते हैं कि कैसा लगता है। यार बहुत ही स्मूथ है यार, जब वहाँ से रिटर्निंग में अप लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक साइकिल का मज़ा क्या है। ब्रेकिंग सिस्टम भी ऑल ओके, टर्निंग सिस्टम भी ऑल ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑन का बटन है, इसको ऑन करते हैं। पावर बता दिया, चार बैटरी फुल चार्ज, मोड तीन है, लो मीडियम हाई। अभी लो मोड में हम देखते हैं चला के। ये एक्सलरेटर है, एक्सलरेटर दिए, ये हो गया लो मोड में। मतलब अभी हम पैडल नहीं मार रहे, आप लोग देखिए पैडल नहीं मार रहे हैं, और इसका मूड चेंज करते हैं मीडियम, थोड़ा स्पीड बढ़ा और मूड चेंज करते हैं हाई। देखो क्या स्पीड है यार, मैं पैडल नहीं मार रहा हूँ, उचाऊ है, मज़ा आ रहा चला के। अब हम इसको बंद करते हैं। कैसा लगा राइड? बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया, गाड़ी बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, साइलेंट एंड प्लस जो परफॉर्मेंस जो ऑर्डिनरी बाइक्स देती है जिसमें हम लोग पेट्रोल यूज़ करके इतना परफॉर्मेंस खोजते हैं उसमें भी इतना मज़ा नहीं आता। और फुल्ली इलेक्ट्रिक है, फुल्ली सिक्योर भी है। सब कुछ बता रहे थे सिक्योरिटी के बारे में, अभी आपको तो दो चीज़ हम लोग बताए नहीं। एक्चुअली इसमें जो है दो, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ है जो इस कंपनी ने दिया है। एक है आपका एंटी थ्रिप्ट सिस्टम। अच्छा, एंटी थ्रिप्ट सिस्टम के बारे में बताओ। ये GPS आपका, आप जैसे आप ये गाड़ी खरीदते हैं हम उस ओनर का मोबाइल नंबर पे आप GPS हम लोग उसको इनेबल कर देते हैं। वो इनेबल हो जाने के बाद उस गाड़ी का वो ट्रैकिंग एकदम फुल्ली वो कर सकते हैं, मतलब मोबाइल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको फुल ट्रैकिंग हो सकते है गाड़ी आपका कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है। आपके जैसे आपका घर में छोटे बच्चे आए और उसको दिए हैं तो कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे गाड़ी कहीं दूसरे जगह, या फिर कहीं पे कोई ये हो गया तो आप उसको तुरंत ट्रैक कर सकते कि गाड़ी कहाँ पे है और उस हिसाब से आप उसको उसको बच्चे को या फिर इसको ट्रैक कर सकते। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और दूसरा है कि लॉकिंग सिस्टम, अगर आप वो गाड़ी को आप लॉक कर देंगे, सेंट्रल लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, बात किया था। ये रही उसकी चाबी की, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, हाँ ऊपर अनलॉक है, लॉक है, ठीक है। एंड फिर अलार्म सिस्टम है, एंड ये पावर स्टार्ट सर। जैसे ही वो लॉक हो जाता है वो गाड़ी का चक्का हिलता ही नहीं है। अच्छा। तो किसी को जो है वो गाड़ी वो चला के लेके नहीं जा सकता है, उसको या तो उठा के लेके जाना पड़ेगा या कोई दूसरे तरीके से लेके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम है। और इसमें एक एडिशनल बैटरी भी लगाने का स्पेस दिया हुआ है, अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए या फिर आपका ज्यादा आपको जाना होगा तो आप एक्स्ट्रा बैटरी, मतलब वहाँ पे स्पेस है आप रख सकते हैं। 60 टू 70 किलोमीटर तो ये कर लेती है, कर लेता है फुल चार्ज में। अगर एडिशनल अगर आपको ज्यादा और 60 जाना है, जैसे आपको 100 किलोमीटर प्लस आना जाना करना हो रहा है, 120 किलोमीटर आना जाना आपको करना पड़े तो आप एक्स्ट्रा बैटरी भी रख सकते हैं। और क्या फीचर्स चाहिए भाई, एक दिन में 50-60 किलोमीटर कमती होता है क्या? चलिए, और जो मेन चीज अभी आप हम लोग को बोलना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर जो हम लोग का ये है, फ्यूचर में हम लोग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में भी आना चाह रहे हैं जी। है जो हम लोग एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो,
इसको हम लोग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएंगे। अभी प्रोटोटाइप अभी बहुत एकदम डिजाइन स्टेज में है ये है, अभी हम लोग इसको बना के फ्यूचर में लॉन्च करने का ये हम लोग सोच, ये हम लोग का सोच है। और हम लोग कोई भी गाड़ी को जैसे बाइक या फिर ये सब को कन्वर्ट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट भी कर देते हैं, और हम लोग बैटरी भी बनाते हैं, लिथियम बैटरी हम लोग बना लेते हैं। एक बाइक भी है इनके पास, है ना, इनके कलीग का, वो अभी बाइक लेके ऑफिस गए हुए हैं, खुद कन्वर्जन किए हैं, वो एकदम उसका जबरदस्त पिकअप और जबरदस्त उसका परफॉर्मेंस है, जो भी वो गाड़ी चलाता है वो मतलब बहुत इम्प्रेस्ड होता है। तो फ्यूचर में कभी आपको उस बाइक का भी राइड कराएंगे, चलो उसका भी एक वीडियो बना देंगे सर, ठीक है, आएंगे आपके पास एक वीडियो उसका भी बना देंगे, दिखाते हैं सबको। तो सर चलिए वो सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग वो आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे, वो हम लोग अभी अमन भैया बताएंगे। अमन ठीक है, ये बता दो ये चाबी। तो अमन भैया अब हमें बताएंगे, ये लॉक सिस्टम है, तो जैसे हम लोग लॉक कर देंगे इसको, ये आवाज के मतलब लॉक हो गया, लॉक हो गया। अब कोई गाड़ी पे चढ़ गया, हाँ गाड़ी पे चढ़ गया, ये गाड़ी को छेड़ दिया इसने, आपने ये अलार्म अप होने लग गई, हाँ ये तो अभी साइलेंट हो जाएगी ना, ये साइलेंट हो गई। अभी दोबारा अगर आपने इसको छेड़ दिया, हाँ कीजिए दोबारा, क्या कोई आप गाड़ी को छेड़ दिया, अब व्हील अभी व्हील के बारे में दिखा रहे थे ना, अब गाड़ी हिलेगी भी नहीं अपने जगह से, गाड़ी की जो व्हील है ना, देखिए अब इसको जो मैं है पुश करके देख रहा हूँ, गाड़ी व्हील लॉक हो चुकी है पूरी तरह से, और ये अलार्म भी अप हो गया, मतलब गाड़ी आपकी चोरी नहीं हो पाएगी इसमें। अब दूसरा ऑप्शन है कोई अगर उठा के ले जा सकता है तो पॉसिबल है, वरना ऐसे कोई कर नहीं सकता अब, ठीक है, मतलब व्हील अप की लॉक, मतलब सिक्योरिटी है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। हाँ चलिए ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, इसको लॉक कर दीजिए आप, है ना, थैंक यू। सो फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करो, होप सो फ्यूचर में कुछ कंपनी हम लोग को स्पॉन्सरशिप जल्दी दे दे, वेल उतना होप नहीं है, वेल थैंक्स, होगा होगा सब होगा, थैंक यू सतीश, बहुत थैंक यू रितेश, बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, एक बार आके मिल के जाइए यहाँ पे, इनसे बात करके देखिए, और कोई भी गाड़ी आपको पसंद आए, साइकिल पसंद आए, आप डील करके देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बैटरी कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, वन सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको इलेक्ट्रिक राइड का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो फीचर में मिलेंगे हम लोग फिर से, चलो ठीक है, बाय बाय, बाय बाय।